उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव से जुड़ी इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है और आई इंडिया के उस खबर की पुष्टि भी हो गई है जिसमें आई इंडिया ने आपको जानकारी दी थी कि सीतापुर के जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी विधान परिषद भेज सकती है। समाजवादी पार्टी के जासमीर अंसारी नामांकन कर रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया सपा ने, उसके बाद वो नामांकन भी कर रहे हैं। आई इंडिया के एटर्न चीफ जिन्हें 20 साल से ज्यादा का अनुभव है पत्रकारिता का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, वो लगातार निगाह बनाए हुए थे राजनीतिक सरगर्मियों पर। उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, बड़े बड़े चैनलों को पीछे छोड़ते हुए ये जानकारी, जहां बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, वहां आई इंडिया ने आपको ये जानकारी दी थी कि सीतापुर के जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी विधान परिषद भेज सकती है। इस खबर पर आज मोहर लगा दी है सपा मुखिया ने जब जासमीर अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया। हमसे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एटर्न चीफ पंकज सिंह और वो देंगे पूरी जानकारी इस संबंध में। जी देखिए उदय, आपको बता दें कि आई इंडिया की खबर की पुष्टि हो गई है और आपको बता दें कि सबसे पहले आई इंडिया ने इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि सीतापुर के लहरपुर से दो बार विधायक रहे जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी विधान परिषद में भेज सकती है और इसको लेकर तमाम कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। और जबकि कई चैनलों ने दूसरे नामों को सजेस्ट किया था, उनके नामों की चर्चा की थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी विधान परिषद में भेज सकती है और आखिरकार आज उसकी पुष्टि हो गई। स्वयं अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, उनकी मौजूदगी में जासमीर अंसारी ने विधान परिषद के लिए अपना नामांकन पत्र भर दिया है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पार्टी मुखिया की मौजूदगी में उन्होंने अपना पर्चा भरा है और पहले ही आई इंडिया ने इस बात के लिए जानकारी दी थी जिस पर आज पुष्टि हो गई है। और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि जासमीर अंसारी ने जो लहरपुर से चुनाव लड़ते थे, सबसे पहले 2007 में वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे, फिर 2012 में पुनः बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे, उसके बाद वो 2017 में चुनाव हार गए थे, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तो उस दौरान उन्होंने अपनी सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने अपनी सीट पर पूर्व विधायक अनिल वर्मा को लड़ाने की सहमति जता दी, एक त्याग किया कि वो अब यहां से नहीं लड़ेंगे और अनिल वर्मा चुनाव लड़ेंगे जिनका वो समर्थन करेंगे, उनके लिए वो लगे। और सीतापुर जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, एकमात्र सीट लहरपुर की, उस पर समाजवादी पार्टी को विजय मिली, ये बड़ी विजय कही जा रही थी। इसी बात का कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जरूर इस बात का उनको इल्म होगा और इस बात को लेकर के वो जरूर फक्र महसूस किए होंगे और शायद यही कारण रहा कि जासमीर अंसारी को उन्होंने विधान परिषद भेजने का काम किया। हालांकि एक कारण और निकल करके आ रहा है, जब सीतापुर जिला कारागार में आजम खां बंद थे तो आजम खां के करीबियों में जासमीर अंसारी का भी नाम प्रमुखता से आता था और सबने देखा कि आजम खां जेल में बंद रहते हुए भी रामपुर में अपनी सरकार चलाए और जेल से जब छूटे आजम खां तब भी उन्होंने अपनी ही सरकार चलाई। उपचुनाव उनके यहाँ लोकसभा का हो रहा है, उन्होंने अपने खास को जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जिसकी घोषणा भी उन्होंने की। और आज जो खास बात देखने को उदय मिली विधान परिषद के नामांकन के दौरान, उसमें आजम खां तो नहीं मौजूद थे लेकिन उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम वो मौजूद थे अखिलेश यादव के साथ और 4 पदों पर जो है एमएलसी के लिए 4 पदों पर समाजवादी पार्टी ने आज प्रत्याशियों की घोषणा की, उनका नामांकन कराया है, तो उनमें से 2 जो है एमएलसी पद के प्रत्याशी आजम खां के खास बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक नाम शहनवाज खान सब्बू जो सहारनपुर के हैं और जब आजम खां सीतापुर में बंद थे तो उस दौरान वो मिलने के लिए आते थे तो उन्हें भी विधान परिषद भेजने का काम हुआ है। इसके अलावा जासमीर अंसारी जिन पर सबकी निगाहें लगी हुई थी और आखिरकार आज
उन्होंने एमएलसी पद के लिए नामांकन कर दिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। दो और नाम हैं जिनके बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने आखिर दो सीटों पर किसे एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। तो उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे विधान परिषद के चुनाव के दौरान, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें विधान परिषद भेजने का काम किया है। वो चूंकि मुखर प्रवक्ता हैं, अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो एक तेज तर्रार नेता की जरूरत थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद भेजने का निर्णय कर लिया। और इसके अलावा तीसरा नाम, जो चौथा नाम है चार एमएलसी पद के, वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि सोबरन लाल यादव जो करहल से विधायक हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी सीट अखिलेश यादव के लिए छोड़ी थी, उनको भेज सकती है पार्टी विधान परिषद सदस्य। कागज उनके भी तैयार हो चुके थे, लेकिन उनकी जगह पर उनके बेटे मुकुल यादव को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाने का निर्णय कर दिया है। इन सभी चारों प्रत्याशियों ने आज जो है विधान सभा के सेंट्रल हॉल में अपना नामांकन पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में भरा है, और इस दौरान अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर जानकारी आ रही है। खास बात जासमीर अंसारी को लेकर के कही जा रही थी, एक समीकरण साधने की कोशिश सीतापुर में की गई है, और जासमीर अंसारी जिनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर से सांसद रह चुकी हैं, और यही कारण है कि उनका प्रभाव है सीतापुर में कहीं ना कहीं, ऐसे में वो चेयरमैन भी हैं दो बार से, और इस मौजूदा समय में भी वो चेयरमैन हैं। एक बार नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उनकी पत्नी रह चुकी हैं, पूर्व विधायक पूर्व सांसद हैं। तो एक बड़ा काम, बड़ी उपलब्धि या बड़ी सीतापुर के लिए कही जाएगी, राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सपा ने यहाँ के लिए दी है। तो सीतापुर के लिहाज से एक बड़ी खबर है जासमीर अंसारी का विधान परिषद जाना। और आपको बता दें, आई इंडिया ने सबसे पहले इस बात का ऐलान कर दिया था अपनी खबर के माध्यम से। हालांकि मेरे पास जानकारी और भी उससे पहले थी जब उनके कागज तैयार हो रहे थे, लेकिन जब पुख्ता हो गया, जब कहीं न कहीं उन्हें पक्का कर दिया पार्टी मुखिया ने, उन्हें आश्वस्त कर दिया, उसके बाद सबसे पहले आई इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया था कि सीतापुर से जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी एमएलसी बना सकती है, जो आज दिखाई भी दिया और आई इंडिया की खबर पर पुष्टि भी हुई। जी बिल्कुल, पुष्टि हुई, और सीतापुर की सियासत की क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। और सीतापुर जो अब 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, फिर से अखिलेश यादव ने दूरदर्शी अपनी राजनैतिक दिखाते हुए एक दांव खेल दिया है। और सीतापुर समेत ही जिस तरह से उन्होंने जाति समीकरण साधे हैं विधान परिषद चुनाव में, पूरी यूपी चुनाव, यूपी की सियासत में भी उन्होंने एक दूरदर्शिता का परिचय दिया है। फिलहाल आई इंडिया की खबर पर आज सच की मोहर लग गई है, पुष्टि हो गई है, जासमीर अंसारी ने नामांकन पत्र भर दिया है। तो सीतापुर से लेकर यूपी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें और अपने कमेंट भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।